नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होटल मोटल और रेस्टोरेंट रिजॉर्ट में क्या अंतर होता है और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, अक्सर इसे लेकर कई बार कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। छोटे स्थानों पर जब भी किसी व्यक्ति से होटल के बारे में पूछा जाए तो वह ढाबे का पता बता दे। जी हाँ, अक्सर जब लोगों को होटल के बारे में पूछा जाए तो उनके माइंड में यही इमेज बनती है कि खाने वाली जगह की बात कर रहा है। लेकिन आज हम आपको इन सब में क्या अंतर होता है सब बताने वाले हैं। तो इन सब में अंतर जानने के लिए बने रहे हैं हमारे साथ। चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर एक पर आता है होटल। होटल वो जगह होती है जहाँ पर आपके रहने के लिए रूम तथा खाने के लिए फूड उपलब्ध होता है। यहाँ आपके रहने खाने के अलावा टीवी, फ्रिज, वाईफाई जैसी कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। हालांकि हर जगह ये जरूरी नहीं है, कुछ छोटे होटल इन सुविधाओं के बिना भी होते हैं। लेकिन बड़े होटलों में अपने पर्सनल रेस्टोरेंट के साथ साथ कई अन्य लग्जरी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। नंबर दो है मोटल। मोटल शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मोटर प्लस होटल। यहाँ मुख्यतः जो है हाईवे पर बनाए जाते हैं और इनका मुख्य पर्पस जो होता है लंबी यात्रा करने के बाद जब यात्री थक जाते हैं तथा इसमें कुछ समय के लिए आराम कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपके आराम के लिए कमरे बनाए जाते हैं तथा आपको खाने के लिए फूड अवेलेबल करवाया जाता है। नंबर तीन पर आता है रेस्टोरेंट। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि रेस्टोरेंट में केवल खाना मिलता है और यहाँ पर ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। रेस्टोरेंट में लोग अक्सर जो है खाने की क्वालिटी ब्रांड को देखकर आते हैं और इसका खाना जो होता है दूसरों की तुलना में महंगा भी होता है। रेस्टोरेंट दो प्रकार के होते हैं, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों हो सकते हैं और यह शहर के बीच या हाईवे पर भी हो सकते हैं। नंबर चार पर आते हैं रिजॉर्ट्स। दोस्तों, रिजॉर्ट्स आमतौर पर टूरिस्ट लोकेशन पर बनाए जाते हैं। यह इनको बनाने के लिए बहुत अधिक जमीन की आवश्यकता होती है। यह आलीशान महंगे होते हैं। आमतौर पर लोग रिजॉर्ट्स में घूमने और मौज मस्ती करने आते हैं और यह जो है प्राकृतिक वातावरण में जैसे कि रेगिस्तान, समुद्र के किनारे या पहाड़ों पर मनाई जाती है। नंबर पांच पर आते हैं होटल्स। क्या आपने कभी सुना है कि भी गाड़ी में होटल्स बने हैं? दोस्तों, ऐसे ही कैटेगरी में आते हैं होटल्स। ऐसे होटल जो बस, ट्रेन या अन्य किसी बाई साइड में बने होते हैं और जिनमें होटल की समान सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। नंबर छह पर आते हैं फ्लोटेल्स। दोस्तों, फ्लोटेल्स का मतलब होता है पानी पर तैरने वाले होटल्स। जैसे कि आपने बड़े बड़े शिप्स के बारे में देखा और सुना होगा, इनमें भी पूरी फाइव स्टार होटल के जैसे सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है तथा अन्य कई लग्जरी सुविधाएं होती हैं। इसी के साथ सबसे लास्ट और सातवें नंबर पर आते हैं बोटल्स। ऐसे होटल्स जो बोट पर बने होते हैं तथा टूरिस्ट इन बोटल्स पर घूमने तथा मौज मस्ती करने आते हैं। चलिए दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। चलिए दोस्तों, के लिए बाय बाय।